वर्ष 2023 खत्म हो गया है, तो इसलिए हम हर भारतीयों के लिए जानना काफी जरूरी बनता है और याद भी करना जरूरी बनता है कि वर्ष 2023 में भारत ने क्या क्या अचीव किया। तो आइए हम ये समझते हैं कि भारत के लिए वर्ष 2023 कैसे हर मायनों में एक बेहतरीन साल रहा है। तो शुरू करते हैं हम जियोपॉलिटिक्स से। रशिया यूक्रेन वॉर जो वर्ष 2022 से ही जारी है, उसमें भारत 2023 में भी अपना न्यूट्रल स्टांस कायम रखा है, जहां एक और भारत अपने पुराने दोस्त रशिया के साथ अपने इंटरेस्ट को देखते हुए वेस्ट से भयंकर प्रेशर के बावजूद ना सिर्फ तेल एक्सपोर्ट किया, बल्कि अब रशिया भारत का नंबर वन ऑयल एक्सपोर्टर बन गया है। तो वही यूक्रेन का भी मदद करना भारत ने जारी रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां यूएस जाकर भारत और अमेरिका का संबंध को मजबूत किया, तो वही विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब भी रशिया जाकर अपने पुराने दोस्त को भारत ने अपनी दोस्ती को याद करवाया है। जब टर्की में भूकंप आया, जब हजारों लोगों की जिंदगी तबाह हुई, तब भारत उन देशों में था जिसने सबसे पहले मदद भेजा। जहां टर्की भारत को हर जगह घेरता है, हर प्लेटफॉर्म पे भारत को कोसता है, वहां भारत ने उसके लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया। तथा टर्की ने भी भारत के इस कदम को सराहा और उन्होंने कहा भी कि फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। इसराइल हमास युद्ध में भी भारत जहाँ इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो वही पैलेस्टीनियंस के लिए भी हर संभव मदद भारत की ओर से भेजी जा रही है। कतर ने इसी साल भारत के 8 नए वेटरन्स को मौत की सजा सुना दी थी, जो सच में भारत के लिए बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल हार हो सकती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कतर विजिट के महज कुछ ही दिनों के बाद अब इन 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को डेथ सेंटेंस कतर के कोर्ट ने कम कर दिया है और भारत अब जो है उन्हें वापस अपने देश में बुला सकता है। नौ हम बात करते हैं इकोनॉमी की। कोविड-19 के बाद जहां जर्मनी, जापान, चाइना, अमेरिका जैसे इकोनॉमिक महाशक्तियों का बुरा हाल है, तो वही भारत ने 2023 में भी हर क्वार्टर में लगभग 6.7 से ज्यादा का जो है ग्रोथ किया है। भारत ने यूएई से जहां तेल डॉलर की जगह पर रुपये में खरीदा, कई देशों से भारत ने बायलेटरल ट्रेड इंडियन रुपये में करना शुरू कर दिया है। भारत का यूपीआई ग्लोबल हो गया है, कई देशों में अब यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। इंडिया की इकोनॉमी मत कुछ ही महीनों के बाद 4 ट्रिलियन के डॉलर के मार्क को क्रॉस कर जाएगा। इंडिया के स्टॉक मार्केट अब सुपर पावर्स के स्टॉक एक्सचेंजेस के क्लब को ज्वाइन कर चुका है, जो हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन। G20 भारत को G20 का प्रेसिडेंसी मिला और भारत ने इसे एक महोत्सव के जैसे ना सिर्फ आयोजित किया, बल्कि इसे हर तरह से भव्य बना दिया। भारत की G20 की सौंदर्यता दुनिया ने देखी। भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्री समझने वाले देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स की आंख ना सिर्फ भौंचक्का हुए, बल्कि उनके स्वागत में भी भारत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जहाँ भारत के G20 में विभिन्न देशों के बड़े लीडर्स आए और यहाँ तक कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के भी लीडर्स आए, वहाँ पर जो है भारत ने भी इसे एक सक्सेसफुल इवेंट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वर्ल्ड लीडर्स ने बापू को श्रद्धांजलि दी। भारत ने G20 का सूरत बदलकर अफ्रीकन यूनियन को जोड़ इसे अब G21 बना दिया। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस बनाया गया। भारत में भी चाइना, पाकिस्तान, टर्की जैसे देशों के मुंह पर तमाचा मारकर इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने की मुहर लगाई गई। भारत ने G20 को इस तरह होस्ट किया मानो इसे हमेशा के लिए यादगार बना दिया है। वर्ष 2023 भारत के स्पेस मिशन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रहा है। इंडियन एजेंसी इसरो ने भी वर्ष 2019 में चांद पर चंद्रयान 3 के सहारे उतरने की कोशिश की थी, लेकिन चांद के सतह से मत कुछ ही दूरी के अंतर से यह मिशन लगभग फेल हो गया था, लेकिन इसरो का हार मानने वाला था। वहां पर वर्ष 2023 में फिर से इसरो ने 14 जुलाई इसरो चंद्रयान 3 के नाम से चांद के सतह पर पहुंचने के लिए एक स्पेस मिशन लॉन्च करता है और फिर 23 अगस्त 2023 के दिन विक्रम लैंडर चांद के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है और उससे प्रज्ञान रोवर निकलता है और चांद पर चलने लगता है। और इसी के साथ भारत चांद के सतह पर पहुंचने वाला विश्व का चौथा देश और मून की साउथ पोल पर पहुंचने वाला वर्ल्ड का पहला देश बन गया है। और भारत के वैज्ञानिकों ने इस अचीवमेंट को 600 करोड़ के लागत में जो यहां पर मिनिमम कॉस्ट के साथ मां भारती को भेंट किया। एंड फिर आदित्य L1 मिशन, सूर्य को साइंटिफिकली स्टडी करने के लिए लैग्रैंज पॉइंट 1 पर पहुंचने के लिए 2 सितंबर 2023 को यह मिशन लॉन्च किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारत ने वर्ष 2023 में कई बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। जहां लोकतंत्र के मंदिर भारत का पार्लियामेंट पुराना और जर्जर हो गया था, तो वही ठीक उसके सामने भारत का नया पार्लियामेंट बनाया गया, जो हर तरीके से मॉडर्न है और हर तरीके से मॉडर्न एमिनिटी के साथ वो लैस है। जहां पर सांसदों के हर तरीके की सुख सुविधाओं को नजर रखते हुए इसे बनाया गया है भारत मंडपम, जहां पर भारत ने G20 को समिट को जो है वहां पर होस्ट किया। और यह भव्य कॉम्प्लेक्स भी इसी वर्ष बनकर तैयार हुआ। यशो भूमि कन्वेंशन सेंटर ना सिर्फ इंडिया का बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, जहां एक साथ 11,000 लोग जो है बैठकर यहां पर जो इस हॉल में
जो कन्वेंशन में एक साथ अटेंड कर सकते हैं, वो भी वर्ष 2023 में बनकर तैयार हुआ है। गुजरात के सूरत में बनकर तैयार हुआ सूरत डायमंड बोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, जो इसी वर्ष बनकर तैयार हुआ है, जहां पर हमारे जो हीरा के व्यापारी है एक साथ बैठकर हजारों की संख्या में बैठ सकते हैं और यहाँ पर किसी भी तरह की जो काम को कर सकते हैं। साथ ही हजारों किलोमीटर का रोड बनाया गया, कई सारे फ्लाईओवर और हाईवेज बनाए गए, कई सारे ट्रेन को लॉन्च किया गया जिसमें इंडिजिनियसली मेड वंदे भारत ट्रेन भी, अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन इसका भी लोकार्पण जो इसी वर्ष हुआ, जो मतलब इस तरह से बनाया गया, इस भव्यता के साथ बनाया गया है जो हमें कलयुग में भी त्रेता युग का याद दिला दे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर अमृत ट्रेन को जो यहाँ पर लॉन्च किया गया है, और भारत ने इसी वर्ष महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी जो है अयोध्या में बनकर तैयार हुआ है और उसे जो है इस तरह से बनाया गया है, जो क्या ही कहना, और इसका भी लोकार्पण इसी वर्ष जो है हुआ है, वो भी 30th of December के दिन। स्पोर्ट की दृष्टि से देखें तो वर्ष 2023 में चेस प्रोडिजी आर प्रगनंदा वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचे, बट वह फाइनल्स में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन से हार गए। डेफिनेटली यह बेटर लक नेक्स्ट टाइम। एशियन गेम 2022 जो कि वर्ष 2023 में चाइना के हैंगजो में हुआ, वह नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, साथ साथ भारत ने 28 गोल्ड मेडल के साथ टोटल 107 मेडल जीता, जो कि एशियन गेम्स में भारत का आज तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। हमारे पैरा एथलीट ने तो 29 गोल्ड मेडल के साथ टोटल 111 मेडल्स लाए। शीतल देवी ने तो एक ही एशियन गेम्स के सीजन में दो गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली इंडियन फीमेल पैरा एथलीट बन गई है। जो आर्चर है बट उनके पास हाथ नहीं, वो अपने पैरों से तीर चलाती है। क्रिकेट में भी भारत ने वर्ल्ड कप को होस्ट किया और उसमें भारत की शानदार परफॉर्मेंस रही, बट ड्यू टू बैड लक हम जो है फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया के साथ हार गए। उसका 2023 में भारत का जरा रहा। RR मूवी की नाटू नाटू सॉन्ग ने द बेस्ट ऑरिजिनल सॉन्ग के कैटेगरी में विनर रहा, साथ साथ द एलिफेंट व्हिस्परर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट के कैटेगरी में विनर रहा। यानी इन टोटल दो ऑस्कर अवार्ड भारत ने इस साल ऑस्कर में जीता। एनिमी एलिमिनेशन। वह 2023 में मां भारती के दर्जनों दुश्मनों को किसी अननोन गनमैन ने मौत की घाट सुला दिया है, चाहे यूके हो या कनाडा या फिर पाकिस्तान। इस अननोन गनमैन ने आतंक के आकाओं के मन में डर बैठा दिया है। सो अब आपका टर्न है हमें बताने कि हमसे क्या छूट गया जो आपके हिसाब से इंडिया के लिए वर्ष 2023 में सच में हिस्टोरिक था। तो नए साल की शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच।